छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले अस्पताल में दो माह से अधिक समय से लगाए गए वॉशिंग मशीन खरीद में सवाल उठने लगा है। जिला अस्पताल में ना तो वॉशिंग मशीन रखने की जगह है और ना ही उसे चलाने के लिए टेक्नीशियन है। इस अवस्था के कारण अस्पताल में उपयोग होने वाले कपड़ों की लॉन्ड्री अब तक प्रारंभ नहीं हुई है और मैनुअल धुलाई चल रही है। इस मामले में राज्य शासन ने अस्पताल प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और सिविल सर्जन लॉन्ड्री मशीन को किसने खरीदा है उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है। जिला अस्पताल में दो माह पहले 24 लाख की कीमत की लॉन्ड्री मशीन की खरीदारी की गई, लेकिन उस मशीन के रख रखाव के लिए पहले से कोई इंतजाम नहीं होने के कारण मशीन जिला अस्पताल मुख्य द्वार में धूल फांक रही है। इस अवस्था की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएमएसएचओ को नोटिस जारी कर लॉन्ड्री मशीन खरीदी के विषय में जवाब तलब किया है। शासन से आय पत्र के जवाब के लिए सीएमएसएचओ ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से जवाब की मांग की है। शासन ने नोटिस मिलने पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लॉन्ड्री मशीन खरीदी में अपने आप को पाक साफ बताया है और तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर गिरीश कुर्रे द्वारा खरीदारी किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में उपयोग होने वाले कपड़ों की धुलाई हाथ से की जाती है, लाखों का लॉन्ड्री मशीन रखने के लिए जगह नहीं है और ना ही ऑपरेटर है, इसलिए मशीन अब तक अनसेबल ही नहीं हुई है। अब उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देंगे वैसा ही किया जाएगा। वैसे तो जांजगीर के जिला अस्पताल से गंभीर मरीजों को रेफर भी किया जाता है, लेकिन यहाँ कमीशन खोरी के चक्कर में आधुनिक मशीनों की खरीदारी कर लाखों रुपए का बंदरबांट किया जाता है और रख रखाव के साथ टेक्नीशियन की कमी के कारण लाखों की मशीन धूल खा रही है। इस बार लॉन्ड्री मशीन खरीदी के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया है, जिससे अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर भी सभी स्वास्थ्य मंत्री पर निगाहें लगाए बैठे हैं। मीडिया के कवरेज के बाद से माननीय मंत्री जी के यहाँ से पत्र आया है, जिसे मैं सिविल सर्जन जिला अस्पताल जांजगीर को भेजा हूँ कि प्रकरण में जो चाहिए गई जानकारी है वो प्रेषित करें। प्रकरण ऐसा था कि उसमें लॉन्ड्री मशीन जो कपड़े साफ होती हैं जिला अस्पताल के लिए क्रय कर ली गई थी और चूंकि मशीन भारी था इसलिए निश्चित तौर पे, क्योंकि इतना बड़ा गेट था नहीं एंट्री करने की, मशीन को एकदम खुले में छोड़ के बरसात के समय में बाहर नहीं रखा जा सकता था और उस मशीन को जिला चिकित्सालय के कक्ष में जो नवीन जो निर्माणाधीन भवन है वहाँ पे दीवार को तोड़ के रखी गई है। मशीन अभी भी वहाँ है, मशीन इंस्टॉल नहीं हुआ है। मशीन चूंकि शासन के शासन से प्राप्त जो बजट था उसके हिसाब से क्रय की गई थी, मैं उस समय यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। मेरे पूर्व सीएमएचओ और यहाँ पूर्व कार्यरत जो जिला कार्यक्रम प्रबंधक है इन लोगों ने मशीन खरीदी थी और उसके बाद मशीन को वहाँ जिला अस्पताल में भेजी गई, लेकिन आगे मशीन को इंस्टॉल करवाना और मशीन के उपयोग में लाना जिला अस्पताल के जो ये सिविल सर्जन हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंस्टॉल करवाएं और फॉलो अप करें ताकि मशीन को उपयोग में लाई जा सके। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।